हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रुत्या दैट इज निगरो। आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि दो तीन हफ्ते से मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई नहीं है। एक अच्छी सी कहानी लेके आया हूँ, शायद आपने सुनी हो, नहीं सुनी हो तो आपको पक्का काम देने वाली है। एक्चुअली होता ही है कि एक बार ना 6 अंधे लोग होते हैं और एक हाथी होता है। अब उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा होता। अब गाँव में हाथी आता है तो वो लोग सोचते हैं कि हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम फील करके ये पता लगाएंगे कि हाथी होता कैसे। वो सभी के सब जाते हैं और हाथी देखने का उनका मन होता है, मैसेज करते हैं छू के। तो पहला व्यक्ति उसका पैर छूता तो कहता है कि हाथी एक खंभे की तरह होता है, ठीक है मान लेते हैं। दूसरा व्यक्ति उसकी पूंछ छूता है और कहता है हाथी रस्सी की तरह होता है, बोले अच्छा। तीसरा व्यक्ति सूंड छूता है, वो कहता है कि हाथी पेड़ के तने की तरह है। चौथा व्यक्ति कान छूता है और कान छू के कहता है नहीं 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 हाथी तो हाथ के पंखे की तरह है, बोले अच्छा फिर क्या होता है। फिर अगला व्यक्ति जाता है। अब अगला व्यक्ति क्या करता है, अगला व्यक्ति उसका पेट छूता है। अब पेट छू के बोलता है नहीं 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 हाथी तो एक दीवार की तरह है, बहुत बड़ी दीवार की तरह है, बोला अच्छा। फिर एक आखिरी व्यक्ति होता है, बोला नहीं नहीं हाथी तो एक नली की तरह है। मतलब अपने अपने विचार 6 के 6 रखते हैं। अब इस बात पे वो लोग भिड़ जाते हैं कि नहीं हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है, ऐसे होता है। सब लोग देख रहे होते हैं लेकिन कोई कुछ क्या ही बोले कि अंधे बावले करने दो, और वो लोग बहुत बुरी तरीके से लड़ जाते हैं। फिर एक वहाँ पे समझदार व्यक्ति होता है, वो कहता है यार बेचारों को ये लड़ मर जाएंगे, हाथापाई होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंधे तो हैं लेकिन अपनी अपनी बात पे अड़े हुए थे, कोई मानने को तैयार नहीं था दूसरे की बात, तो ये सारे के सारे लड़ने को तैयार हो गए। फिर एक व्यक्ति आया, समझदार व्यक्ति आया, एक शिक्षक थे वो जो आए, उन्होंने समझाया कि अच्छा क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने फिर बोला कि आप 6 के 6 अपनी जगह सही हो, बस हुआ ये है कि आप लोगों ने हाथी के अलग अलग अंगों को छुआ है। सब बोले अच्छा, बोले हाँ अच्छा। अब जब शिक्षक ने उन सबको एक्सप्लेन कर दिया, लड़ाई खत्म हो गई, बोले हाँ ठीक है। तो इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से आपको शिक्षा ये मिलती है कि जब कभी भी आप कुछ बात कर रहे हैं और सामने वाला उसका विरोध कर रहा है, तो जरूरी नहीं है वो गलत हो सकता है आप सिक्के का दूसरा पहलू देख रहे हो। और हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि ज्ञान की कोई अंत नहीं है, एक ही सत्य को अलग अलग तरीकों से बताया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं या जो आप बोल रहे हैं वो सत्य हो सकता है, वो सत्य हो, लेकिन आपने हो सकता है कि सिर्फ पूंछ ही पकड़ रखी हो या सिर्फ पैर ही पकड़ रखा हो, पूरा बाकी हिस्सा दूसरे व्यक्ति के पास हो। तो कभी भी हमें बहस में नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी आपसे कोई बहस कर रहा हो तो उससे बचो। हो सकता है कि ठीक है यार, अब बोल दे करो ठीक है हाँ हो सकता है यार तू सही कह रहा, चाहे आप सही हो, लेकिन हो सकता है ना कि 1% के आपको आधा हिस्सा बताओ आधा उसे बताओ। तो आपको बहस नहीं करनी चाहिए, मकसद मेरा सिर्फ यह है समझाने का। क्योंकि आजकल ना बच्चे अपने दोस्तों के साथ साथ ये भी नहीं देखते हैं किससे बहस कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कि अगर मैं बहस कर रहा हूँ तो मैं दोस्तों से तो कर ही रहा हूँ, मैं घर पर ही बहस करने लगा या हम टीचरों से बहस करने लगा, तो गलत है ना। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी इस कहानी पर शिक्षा लो कि हमें कभी भी बहस नहीं करनी है, बहस किसी चीज़ का हिस्सा नहीं होता। एक सिंपल सी बात बताऊँ ना कि कहते हैं कि गुस्से में लोग चिल्लाते क्यों हैं, तो चिल्लाते क्यों हैं इसका कोई जवाब है आपके पास? तो सोचोगे नहीं सर इसका तो जवाब नहीं है, गुस्सा आ जाता है वो चिल्ला जाते हैं। बेटा उसका एक सिंपल सा रीज़न बताओ तो, इसलिए कि वो लोग दूर हो जाते हैं, उनका दिल एक दूसरे से दूर हो जाता है, तो दिल की भावनाएं व्यक्त करने के लिए चिल्लाना पड़ता है दिल को दिल तक पहुंचने के लिए। सेम चीज़ जब हम लोग प्यार में होते हैं तो हम लोग नहीं चिल्लाते, बड़े हल्के हल्के बातें करते हैं, और जब अधिक प्रेम में होते हैं तो कभी कभी बोलना भी नहीं पड़ता, बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि किसने क्या कहा। तो ये प्यार के ऊपर है कि आपका जितना प्रेम है आप उतने आराम से बोलो, और जब प्रेम नहीं होता, जब लड़ाई हो जाती है, गुस्सा है, तो गुस्सा आते ही तभी जब हम लोग का प्रेम खत्म होने लगता है, फिर हम चिल्लाते हैं चीखते हैं। और चिल्लाते क्यों? ताकि हमारी बात उसके दिल तक पहुंचे, क्योंकि करीब था, प्रेम था, दिल करीब था, तो हमारी बात उस तक आराम से बोली, चाहे वो मम्मी हो भाई हो, सब में लड़ाई होती है आपस में। जब तक हम लोग प्यार से रहते हैं देखो हम लोग आराम से बात करते हैं, जब लड़ाई होती है हम चीखने लगते हैं। चीखने क्यों लगते हैं? कि उस तक हमारी बात पहुंचे उसके दिल तक, कि हम दूर हो जाते हैं। तो कोशिश क्या करनी है हम लोगों को कि हमें बहस में नहीं पड़ना, हमें किसी से बहस नहीं करनी, हमें कभी चीखना चिल्लाना नहीं है, हमें सबके साथ प्यार से रहना है। कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है अगर आपको पता भी है तो ठीक है, मुझे इतना पता है भाई मैंने बता दिया, हो सकता है आप भी सही हो, उसे गलत साबित मत करो, अपने आप को सही बोलो, दूसरे को गलत साबित करोगे तो बहस होगी। हमें कभी बहस नहीं करनी है। आई होप इस कहानी से आप शिक्षा लेंगे और कभी भी बहस नहीं करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज सैटरडे है और कल संडे है, कल से त्यौहार शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ धनतेरस, गोवर्धन और भैया दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग सारे त्यौहारों को खूब इंजॉय करना, खूब मजे से करना, क्योंकि उसके बाद लगातार पढ़ाई में लगना है और फिर रुकना नहीं है हमें, क्योंकि दूर दूर तक अब कोई त्यौहार नहीं है, तो इसके बाद हमें बहुत मन से पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेके रहना है ना।
तो मैं भी शायद वीडियो भी बीच में प्रोवाइड ना करा पाऊँ त्योहारों में, आप देखोगे भी नहीं और मैं भी शायद बिजी रहूँ। तो जैसे ही त्यौहार खत्म होते हैं मैं आपको डेली की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, अब 10 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अब मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, मतलब 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा एसएससी के यूपी पुलिस के। उससे फायदा क्या होगा कि एक ही वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, है ना। तो आप लोग जुड़े रहना और डेली वीडियो हम करेंगे, बस त्यौहार खत्म हो जाए उसके बाद लगातार शुरू करते पढ़ाई। तो आप सभी को बन सके सारे त्यौहारों की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब मजे से इन्जॉय करिएगा और उसके बाद पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।